हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाज 0.52 डिग्री सेल्सियस व्हेन 6 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड एक्स वाज डिसॉल्वड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स इज डैश। तो यहाँ पर आपको क्या पूछ रहे हैं, जो एक्स हमारा यहाँ पर कंपाउंड है जिसको हमने क्या कर रखा है, डिजोल्व कर रखा है 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, उसका मॉलिक्यूलर वेट हमें फाइंड आउट करना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखिए, जब हमारा कोई लेट सपोज ये आपका वाटर है, ठीक है, तो वाटर का कुछ ना कुछ यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेट सपोज टी नॉट बी है, ओके। जैसे ही हम इस वाटर में क्या करेंगे, कोई सॉल्यूट ऐड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी इस क्वेश्चन में हमने एक्स को ऐड किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज अब उसको इवेपोरेट करवाने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, बिकॉज सॉल्यूट आपने ऐड कर दिया है, राइट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट अब यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो दैट मीन्स सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है वो बढ़ जाता है ऑन एडिंग द सॉल्यूट इन टू द सॉल्वेंट। ड्यू टू दैट इसको हम जितना भी इंक्रीमेंट वो आता है, ठीक है, टी बी माइनस टी नॉट बी जो भी होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, और इसको हम डेल्टा टी बी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये जो डेल्टा टी बी है, ओके, डेल्टा टी बी है, दैट इज इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला आपके पास में होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू होता है आपका के बी, विच इज अ, ये क्या होता है आपका मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट होता है, इन टू डब्ल्यू विच इज अ मास ऑफ द सॉल्यूट, राइट, इन टू थाउजेंड डिवाइडेड बाई आपका होता है मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट इन टू मास ऑफ द सॉल्वेंट, राइट। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखिए, 1000 ग्राम ऑफ वाटर दे रखा है आपको, सॉल्वेंट का मास यहाँ पर गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आपको कैलकुलेट करना है, 6 ग्राम आपको दे रखा है सॉल्यूट का मास, ठीक है, के बी आपको दे रखा है वाटर दैट इज सॉल्वेंट के लिए, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट अगर वाटर आपका रहेगा तो इतना डिग्री सेल्सियस पर 1000 ग्राम आपको के बी का वैल्यू भी गिवन है। डेल्टा टी बी हमको दे रखा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सो यहाँ से हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा आपका डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू, राइट। वैल्यूज पुट करेंगे, के बी का वैल्यू है आपके पास में दैट इज 5.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस पर 1000 ग्राम, ओके, पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर बोल लीजिए, और 1000 ग्राम का मतलब क्या है आपका, 1 किलोग्राम भी होता है, राइट। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5.2 इंटू W, दैट इज सॉल्यूट का वेट हमारे पास में कितना है, 6 ग्राम है, इन टू 1000 अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपका है 0.52 डिग्री सेल्सियस, इन टू कैपिटल W दैट इज सॉल्वेंट का मास आपका है कितना, 1000 ग्राम। 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो हमारे पास में आंसर आता है 60, दैट इज 60 ग्राम पर मोल में ये आपका आंसर आएगा, ओके। सो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट है सॉल्यूट एक्स का दैट इज 60 ग्राम पर मोल, हैंड 60 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक।